जी नहीं प्रधानों के द्वारा उनका शोषण हो और उसके बाद कहा जाए कि मामले को सुलह कर लिया जाए, ये संभव नहीं है। उसकी आवाज हम उठाएंगे और उठा करके आसमान तक ले जाना होगा तो मैं लेकर जाऊंगा। क्या पंचायत सहायकों को परमानेंट करना चाहिए या उनका मानदेय बढ़ा करके 20,000 करना चाहिए? तीसरा बदलाव, अनुबंध व्यवस्था पूरी तरह समाप्त की जाए। चौथा बदलाव, यथासंभव सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था हो, सफलता हासिल कर ले। कल को मानदेय 20,000 रुपए हो जा रहा है और कल ही उसकी सदस्यता बैठक में उसको बाहर कर दिया जाए, बताइए लड़ाई कोई और लड़ रहा है, मजा कोई और काटेगा। उस कार्यों का लेखा जोखा उनके पास होगा, रिकॉर्ड होगा और जो भी ग्राम। नमस्कार सर, चलिए अब आपसे मैं आग्रह करूँ। ठीक है सर, पहले तो मैं आप सभी लोगों का कॉम्रेड कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं प्रदेश प्रवक्ता शिवेंद्र सर, सॉरी प्रदेश अध्यक्ष शिवेंद्र सर और प्रदेश प्रवक्ता अंशुमान सर और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग अपना बहुमूल्य समय निकल करके आए और सभी पंचायत सहायकों के लिए आप सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और सर आप सभी लोगों के समक्ष मैं आज कुछ प्रश्न रखना वाला हूं और मैं चाहूंगा कि उसका आप सभी लोग जवाब दें। बहुत सारे पंचायत सहायकों के मन में चल रही है बात और उनको उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी लोगों के जरिए उन तमाम प्रश्नों का जो उत्तर है आप सभी लोगों से चाहूँ। तो मैं पहले आप सभी लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज मैं शिवेंद्र सर, मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं क्या? जी, तो सर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो पहला प्रश्न सर, मैं ये नोट किया हूँ कि क्या पंचायत सहायकों को अपना अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकारी है? देखिए, बहुत से पंचायत सहायकों को अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकारियाँ नहीं है। जी, जब हम लोग जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग ना पहुँचाने का, उसको मैसेज डिलीट करने का और ये काम करते हैं। तो हमारा काम है कि हम उनके अधिकार क्षेत्रों को उन तक पहुंचाना। देखिए, संगठित होने का मतलब ही यही होता है कि हम लोग एकत्रित होकर के एक दूसरे की मदद कर सके। जैसे हमारे द्वारा साप्ताहिक मीटिंग रखी जाती है और लगभग उस मीटिंग के माध्यम से 1500, 2000, 3000 लोगों की संख्या जुड़ती है और हमारे कुटुंब चैनल में भी लगभग 42,000 लोगों की आसपास संख्या है और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने जोड़ा है। तो ये चीज हम लोग निःशुल्क रूप से यही कर रहे हैं कि हम लोग उन लोगों तक उनके दायित्वों का निर्वहन जिस तरीके से वो कर रहे हैं, सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ कैसे लोगों तक पहुंचाना, किस तरीके से लोगों तक उन तक वो योजनाएं पहुंच सकेंगी। जैसे हम लोगों के लिए जो नियुक्ति हुई है वो यही है कि ग्राम के जो भी सदस्य हैं उन ग्राम सदस्यों के द्वारा जो आपको दायित्व दिया गया है कि उन तक वो योजनाएं पहुंचाई जाए, आसानी तक पहुंच जाए और जो भी उनको सरलता है, जैसे वो जाते थे ब्लॉकों में काम करवाने जाते थे, तहसीलों में काम करवाने जाते थे, तो एक तरह से मिनी शौचालय जो है सचिवालय खोल दिया गया है इसलिए कि यहाँ पे स्थायी रूप से कि आप वहां पे बैठ करके अपना काम करें और उनको ज्यादा दौड़ भाग करने की असुविधा ना हो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अंशुमान सर, आपसे ये प्रश्न है कि क्या पंचायत सहायकों का मानदेय समय पर दिया जा रहा है? देखिए, मानदेय से संबंधित काफी सारी समस्याएं हम लोगों के सामने आती हैं और हमारी टीम आदरणीय शिवेंद्र सर, मैं और हमारे जो भी साथीगण हैं मिलके सभी समस्याओं का समाधान करने की प्रयास करते हैं और समाधान होता भी है। देखिए, समस्या ये है जो पंचायतें छोटी हैं, ठीक है, जो छोटी पंचायतें हैं, कम लोग वहां पर निवास करते हैं, तो निश्चित रूप से वहां का जो बजट होता है, वहां का जो पैसा होता है, वहां की जो निधि होती है वो एक छोटा अमाउंट होता है। तो उस छोटे अमाउंट में गांव का विकास भी करना है, प्रधान जी को अपना मानदेय भी निकालना है और पंचायत साहब का भी मानदेय देना है। तो ये एक कठिन समय आ जाता है कि जब पैसे खत्म हो जाते हैं और पंचायत साहबों का मानदेय नहीं मिल पाता है, तो कई कई जगह 6-6 महीने, 7-7 महीने का पेंडिंग है। तो कहीं पर समस्या ये है कि प्रधान जी अपोजिट पार्टी के हैं,
तो वहां पे वो जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, ऐसी सारी बहुत सारी समस्याएं हैं हम जी लोगों के सामने देखने दिनों दिन है। और ये जब तक हम लोग अनुबंधित होकर काम करेंगे, जब तक ये हर 11 महीने पे अनुबंध जैसी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समक्ष आती रहेगी, तो साथियों हमेशा हमेशा ये समस्या, कभी इसका निराकरण नहीं होने वाला है, कभी मानदेय समय से नहीं मिलने वाला है। मेरे सपोर्टिव है, मेरे साथ सब लोग सपोर्टिव है, मुझे समय से मिल जाता है, सुरेंद्र को मिल जाता है, लेकिन जो हमारे 58,189 पंचायत सहायक है इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका समय से मानदेय अभी 6-6 महीने का मानदेय पेंडिंग पड़ा हुआ है जी। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, सरकार से मैं ये पुनः आग्रह करूंगा, हर डिबेट में मैंने यही बात सामने रखी है कि इस अनुबंध प्रणाली को खत्म करते हुए जो मानदेय का जो भुगतान है वो डीबीटी खाते से माननीय निदेशालय के द्वारा होना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है, प्रमुख मांग है, पंचायत सहायक संघ की प्रमुख मांग है। पंचायत सहायक संघ जिंदाबाद। कृपया कुमारी कुसुम सिस्टर और भारती सर, आप सभी लोग कृपया अपने कैमरा को ऑन करें, कैमरा को ऑन करें जी। सर शिवेंद्र सर, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि क्या पंचायत सहायकों को परमानेंट करना चाहिए या उनका मानदेय बढ़ा करके 20,000 करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या सही है? देखिए सबसे पहले यही चीजें हम इसीलिए हम अपने संगठन को चला रहे हैं, पहले डिपेंड मानदेय बढ़ाना नहीं है, पहले डिपेंड ये करता है कि हम लोग की जो जगह है वो अस्थाई हो। पहले कोई भी घर है, अगर उस घर में हम अगर रहने के लिए अभी सदस्यता पाए हैं, कम से कम उस घर के हम हकदार तो हो जाए, उस घर के सदस्य तो हो जाए। अभी हम हमारे जितने भी साथी हैं हमारे मिलकर के हम लोगों के साथ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, वो 6,000 के लिए अभी तो पूर्णतया मिल नहीं रही है, और जब हम लोगों का मानदेय 15,000 हो जाएगा तो वो बिल्कुल नहीं पा पाएंगे। तो सीधी सी बात, पहले तो हम लोगों का जो मानदेय है वो शासन के द्वारा अगर सीधे मिलना चालू हो जाएगा, पहले हम 6 का रेशियो बराबर करें, अच्छे से करें। अभी हमारे साथ वो बेचारा लड़ रहा है, लड़ाई में सफलता हासिल कर ले, कल को मानदेय 20,000 रुपए हो जा रहा है और कल ही उसकी सदस्यता बैठक में उसको बाहर कर दिया जाए, बताइए लड़ाई कोई और लड़ रहा है, मजा कोई और काटेगा, ठीक है? तो पहले हम लोग का अनुबंध जो है वो समाप्त करना चाहिए, ठीक है? जो हम लोग अनुबंधित है, जो हमारा शोषण हो रहा है वो सिर्फ अनुबंध की वजह से हो रहा है कि जहां हम बंधे हैं। अभी हमें क्या है कि ये स्वतंत्र भारत है, हमें स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है और उस हिसाब से हम नहीं काम कर रहे, क्योंकि हम काम कर रहे हैं अपने ग्राम सभा के अध्यक्ष के तहत, हम काम कर रहे हैं जो है सदस्यों के तहत, हम काम कर रहे हैं उनके, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो भी चीजें मिल पा रहे हैं लोगों को, पहली बात तो हम लोग बेहद प्रयास कर रहे हैं कि जो भी काम होता है पंचायत सहायकों के द्वारा ही कराया जा रहा है, आज तक ब्लॉकों में आप सभी ब्लॉकों में संपर्क कर लीजिए, उस हिसाब से उन लोगों का मानदेय कुछ। तो पहले तो हम लोग ये तैयारी भी बना रहे हैं कि हम लोग निदेशालय जाएंगे और वहीं से मुख्यमंत्री महोदय के पास मिलने भी जाएंगे, और जाने के बाद ये चीज अपने रखेंगे कि जिस तरीके से हम लोगों का शोषण हो रहा है उस शोषण से बचने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करेंगे और हम स्थायी होने की मांग करेंगे जी। अंशुमान सर, प्रश्न ये है कि जो पंचायत सहायक, जैसे आप लोगों के नेतृत्व में जो ट्विटर महाभियान चलाया जा रहा है, क्या इसको चलाना चाहिए या इसको अभी अप्रैल तक रहने दिया जाए, आप लोग की क्या मत है अंशुमान सर? बिल्कुल ट्विटर अभियान चलाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही सही है, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं है हमारे पास अपनी मांगों को रखने के लिए, यही एक अच्छा माध्यम बन के हमारे सामने आया है, क्योंकि इस 6,000 की नौकरी करने के बाद हर व्यक्ति के पास इतना पैसा भी नहीं है जो लखनऊ आके धरना प्रदर्शन आदि में पैसा खर्च कर सके, और धरना प्रदर्शन कोई एक दिन में धरना प्रदर्शन होने के बाद कोई समाधान निकले ये भी आवश्यक नहीं होता है। तो अभी हम लोग ट्विटर अभियान से ही अपनी मांगे रख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि हमारी ये जो प्रमुख मांगे हैं इनको मान लिया जाए, लेकिन कब तक, जब तक ये मतलब जब तक ये सहनशीलता है तब तक हम लोग ट्विटर के अभियान के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम ये लोग अपने सोच लेंगे कि अब नहीं कुछ हो रहा है, कुछ हमें आशा की किरण नहीं दिख रही है, तो निश्चित रूप से हम लोग लखनऊ की ओर कूच करेंगे जी। जी सिवन सर, आपसे प्रश्न है कि जितने भी पंचायत सहायक हैं, क्या उनको उनके कार्य को न देखते हुए, मतलब कि जो उनका कार्य है वो तो करवाया जा रहा है, इसके अतिरिक्त जो
अलग क्षेत्र के कार्य वो भी करवाया जा रहा है क्या? देखिए, जी जो अलग क्षेत्र है, जो पंचायत सहायक जिस पद पे पोस्ट है, जिसलिए उनको पोस्ट किया गया है, जी अभी वो काम उनको दिया ही नहीं गया है। ठीक है, जी वो अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त है। ठीक है, जी और वो इस पद पर नियुक्त रह करके उनको पंचायत भवन में उपस्थित होने के लिए स्थायी रखा गया है कि वो पंचायत भवन पर रहेंगे। ठीक जी है, जी तो उनका क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर वो है। जी वो जो क्या नाम है, जो भी फंड रिलीज होना है, जो भी ग्राम सभा की जो है पेमेंट लगने हैं, जो भी कार्य होने हैं, उस कार्यों का लेखा जोखा उनके पास होगा, रिकॉर्ड होगा, और जो भी ग्राम सभा में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, जो भी कार्य है, मतलब हम कह रहे हैं तो पेमेंट के सहयोग से, और जो भी सोशल नेटवर्क के द्वारा जो है ऑनलाइन सुविधाएं हैं, वो उनका क्षेत्र कार्य क्षेत्र है, जी और उनको वो चीजें अभी नहीं प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि हर जगह पे, बहुत जगह ऐसे है जहाँ पे सिस्टम स्थापित नहीं है, तो वो बहुत जगह पे ऐसी भी हो रही कि हम लोगों की सीएससी आईडी जो है जनरेट कर दी गई है, और जी जनरेट करने के बाद उनको वो दायित्व तो भी दिए जा रहे हैं। बहरहाल, हमारे गोंडा में तो सारी चीजें व्यवस्थित रूप से चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी हमारे यहाँ सभी का मानदेय जनवरी तक का लग चुका है, और सभी का अनुबंध हुआ है, और मेरे द्वारा, हम लोगों के द्वारा ये कार्य उठाया गया था कि किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। जी मेरे गोंडा से आप किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं पाएंगे जिसको बाहर किया। करते आपके बैंक के साथ ऐसा होता तो आप बर्दाश्त करते, जी नहीं प्रधानों के द्वारा उनका शोषण, और उसके बाद कहा जाए कि मामले को सुलह कर लिया जाए, ये जी संभव नहीं है। उसकी जी आवाज हम उठाएंगे, और उठा करके आसमान तक ले जाना होगा तो मैं लेके जाऊंगा, ये जी आश्वासन मैंने उसको दे दिया। इसमें क्या बदलाव की जरूरत है? देखिए, बदलाव ही बदलाव मुझे नजर आ रहे हैं इस नौकरी में। जी मैंने इसे पहले से डिबेट में कहा, इसमें अभी बहुत से बदलाव करने की आवश्यकता है। जी पहला बदलाव, हमारा एक ड्यूटी चार्ट हो, हमें पता हो कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं, जी ये नहीं कि किसी भी विभाग का कोई भी कार्य हमें करने के लिए दे दिया जाए। जी दूसरा बदलाव, हम लोगों के लिए छुट्टी का प्रावधान हो, हमें पता हो साल में इतनी छुट्टियां ले सकते हैं, महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान हो। ठीक है, तीसरा बदलाव, अनुबंध व्यवस्था पूरी तरह समाप्त की जाए। चौथा बदलाव, यथासंभव सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था हो। पांचवा बदलाव, जो हमारे कोविड के जो साथी घर जिनके कोविड में जिन्होंने माता पिता को खोया है, वो तो लोग भी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए एक सम्मानजनक मानदेय और कुछ ऐसी अतिरिक्त पावर हम लोगों को दी जाए कि हम लोगों का एक सम्मान गांव में, क्षेत्र में बढ़े। जी। सर, शिवन सर, एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज का, कि क्या पंचायत सहायकों को पॉलिटिक्स मुद्दा भी बनाया जाता है हर गांव में? वो निकालने के प्रावधान में उसको जोड़ते हैं। जी वही पॉलिटिक्स, देखिए, हर देश स्वतंत्र है, वो जहाँ वोट कर सकता है वो वहां वोट करेगा। देखिए, आपका वोट जो है वो आपके अधीन है, जी ये हमें स्वतंत्रता प्राप्त कराती है, और हम स्वतंत्र, तो हम अपना मतदान अपने हिसाब से करेंगे। ये मेरा, जिसको अच्छा जानेंगे, जिसको बेहतर जानेंगे, उसको मतदान देंगे। जी हम किसी के साथ जबरदस्ती अपने बच्चों का भविष्य, एक सीसी शराब और 1 किलो जो है मुर्गा मछली जो भी खोलो खाते हैं, इन पर अपने बच्चों का भविष्य हम नहीं बेच सकते। जी ठीक है, जी सर, अपना बहुमूल्य समय दिए इसके लिए हम आप सभी लोगों का आभारी रहेंगे।